नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल। यहाँ पर हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं वीवो की ओर से आने वाले लेटेस्ट दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है वीवो Y20i, दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास है वीवो Y20। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोनों मोबाइल का प्राइस। तो Vivo Y20i आपको मिलता है 11,500 रुपए में, जिसमें आपको मिल जाती है 3GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में आपको मिलते हैं 13+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल और बैटरी आपको इसमें मिलती है 5000 mAh की। वहीं बात करते हैं Vivo Y20 की, तो ये आपको 13,000 रुपए में मिलता है, जिसमें आपको मिल जाती है 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में आपको बिल्कुल सेम 13+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल और बैटरी इसमें भी आपको मिलती है 5000 mAh की। बाकी वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। खास बने रहे मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। तो ये हैं दोनों स्मार्टफोन, जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। दोनों मोबाइल के बॉक्स में आपको मोबाइल का डिजाइन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। Y20i में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है 3GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज को, और यहाँ पर 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। दोनों मोबाइल के बैक साइड पर नजर डालें तो थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूँगा। तो जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन और सबसे पहले कॉन्टेंट पर डालते हैं नज़र। दोनों मोबाइल के बॉक्स हो गए हैं ओपन। सबसे ऊपर हमें मिलते हैं मिनी बॉक्स, अंदर हमें मिलते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, सिम इजेक्टर पिन और फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन के मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए। इसके बाद रैपर में पैक मिलते हैं हमें स्मार्टफोन। फिलहाल दोनों को रख लेते हैं हम साइड में और अंदर देखें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं चार्जर अडेप्टर और USB केबल। Vivo Y20 का चार्जर आपको बड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों मोबाइल के चार्जर की आउटपुट रेटिंग देख लेते हैं। तो Vivo Y20i में आपको नॉर्मल 10 वॉट का चार्जर दिया गया है 5V 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ। 11,500 रुपये खर्च करने के बाद आपको इसमें एक 10 वॉट का चार्जर दिया गया है, जबकि Redmi 9A में भी आपको मात्र 6,799 रुपीज़ में 10 वॉट का चार्जर मिल रहा है। और Y20 में आपको मिल जाता है 18 वॉट का फास्ट चार्जर, जिसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5V 2A और 9V 2A की। दोनों मोबाइल में आपको माइक्रो USB केबल मिलती है, यानी कि टाइप सी USB केबल भी आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। और ये हैं दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। साइज बिल्कुल एक जैसा है और दोनों ही मोबाइल बिल्कुल सेम आपको मिलते हैं। दोनों में आपको मिलती है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्क्रैच कार्ड पहले से लगे हुए मिल जाते हैं, जो कि कुछ टाइम तक साथ निभाते। और ये है दोनों मोबाइल के बैक साइड का लुक। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी ग्लास फिनिश देखने को मिल जाती है, हालांकि यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी बैक में दी गई है, लेकिन काफी कमाल की ग्लोसी फिनिश और लाइट रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, काफी कमाल का आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। दोनों मोबाइल का बैक साइड का पैनल भी बिल्कुल सेम आपको मिलता है। दोनों मोबाइल के कैमरा सेटअप देखें तो बिल्कुल सेम हमें देखने को मिलते हैं और यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, 13+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं, साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पर दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां पर दिया गया है, यानी कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज भी इन की से कर सकते हैं। ऊपर की साइड कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको मिलती है सिम ट्रे, जिनमें आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। मोबाइल के नीचे की साइड देखें तो बिल्कुल सेम हमें मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है। शॉर्टकट पहले के मोबाइलों में नीचे से स्क्रॉल अप करने पर आपको मिलते थे, लेकिन इन मोबाइल में आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करने पर सारे शॉर्टकट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहीं से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑटो से भी हटा देते हैं और यहाँ पर हम शॉर्टकट देखें तो बिल्कुल सेम आपको दोनों मोबाइल में देखने को मिलते हैं। आई प्रोटेक्शन भी आपको दोनों मोबाइल में दिया गया है, ये हमने आई प्रोटेक्शन को कर दिया है ऑन।
और इसे कर लेते हैं ऑफ। साथ ही आपको दोनों ही मोबाइल में डार्क मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, और ये देखिए डार्क मोड इनेबल करने के बाद कुछ ऐसा देखने को आपको मिलता है। बाकी दोनों मोबाइल के आइकन बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलते हैं। होम स्क्रीन पर राइट साइड स्क्रॉल करने पर आपको कुछ ऐप यहाँ पर देखने को मिलती है, और यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम ऐप्स देखने को मिलती हैं। कुछ ऐप प्री इंस्टॉल दी गई हैं, हालांकि कोई फालतू की ऐप यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलती है, सारी की सारी ऐप आपको यहाँ पर काम की दी गई हैं, और अनवांटेड ऐप को यहाँ से आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज़ की, तो दोनों ही मोबाइल में आपको 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है। एस्पेक्ट रेशो 20:9 का दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको 89% मिलता है। GPU आपको इसमें क्वालकम एड्रीनो 610 का दिया गया है। बाकी स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल का मिलता है। पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की आपको दोनों स्मार्टफोन में दी गई है। बाकी आपको इसमें 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डायमेंशन की, तो बिल्कुल सेम डायमेंशन आपको दोनों मोबाइल में देखने को मिलता है। हाइट है दोनों मोबाइल के 164.41 mm, विड्थ है 76.32 mm, और थिकनेस है 8.41 mm। बाकी वेट भी बिल्कुल सेम आपको दोनों मोबाइल का मिलता है, 192.3 ग्राम। और अब नज़र डालते हैं सेटिंग में, तो एक साथ दोनों मोबाइल की सेटिंग को हम ऑन कर लेते हैं तो बिल्कुल एक जैसा यूज़र इंटरफेस हमें दोनों मोबाइल का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सेटिंग में सबसे ऊपर वाईफाई मिल जाता है, यहाँ से आप हॉटस्पॉट इनेबल कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन और स्टेटस बार यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले और ब्राइटनेस में हम देखें तो यहाँ पर हमने ब्राइटनेस को फुल किया हुआ है, और ब्राइटनेस को अगर आप ऑन करते हैं तो फोन लाइट के हिसाब से खुद ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेगा। बाकी आई प्रोटेक्शन डार्क मोड यहाँ पर दिया गया है। फॉन्ट स्टाइल आप यहां से चेंज कर सकते हैं, क्लासिक फॉन्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड मोड में जाके और फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट यहाँ से होता है। बाकी फॉन्ट का साइज़ आप कैसा रखना चाहते हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, बड़े फॉन्ट या छोटे फॉन्ट, आप जैसा फॉन्ट चाहे वैसा यहाँ से आप रख सकते हैं। बाकी अब हम चले जाते हैं सिस्टम मैनेजमेंट में, और सबसे ऊपर हमें मिलता है अबाउट फोन सेक्शन। फन टच OS हमें इसमें मिलता है, जिसका वर्जन है 10.5, और एंड्रॉयड वर्जन आपको दोनों ही स्मार्टफोन में 10 क्यूब मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग वेरियंट हैं। रैम यहाँ पर 3 GB मिलती है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, और Y20 में आपको 4 GB रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट की बात करें तो दोनों मोबाइल में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम है। बाकी दोनों मोबाइल का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अगस्त 2020 का आपको दिया गया है। और अब नज़र डालते हैं दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक पर। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर का हम टेस्ट करते हैं, तो इस फिंगर से हमने इसको सेट किया हुआ है, और इस फिंगर से हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो दोनों को हम एक साथ करते हैं अनलॉक। 1 2 3 स्टार्ट, ये देखिए बिल्कुल सेम, अगेन बिल्कुल सेम स्पीड हमें देखने को मिल रही है फिंगरप्रिंट सेंसर में। और अब फेस अनलॉक के लिए मैं यहाँ पर फिंगर्स चेंज कर लेता हूँ, और फेस के सामने हमने कर दिया है मोबाइल। करते हैं स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। बिल्कुल सेम स्पीड हमें देखने को मिल रही है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफी अच्छा वर्क कर रहा है दोनों स्मार्टफोन का। दोनों मोबाइल में आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलते हैं 13+2+2 MP के। कुछ पिक्चर आपको दिखा देते हैं, तो ये है सेल्फी कैमरा से ली गई सेल्फी, पोर्ट्रेट मोड में ली गई सेल्फी है, लेकिन आपको बैकग्राउंड बिल्कुल भी ब्लर देखने को नहीं मिलता है, तो ये है इसका सेल्फी कैमरा। ये है दूसरी इमेज, कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है, तो सेल्फी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। और ये है रियर कैमरा से नॉर्मल मोड में ली गई पिक्चर, तो रियर कैमरा भी काफ़ी कमाल का है। ये देखिए जूम करके भी दिखा देते हैं आपको, तो रियर कैमरा काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको दोनों स्मार्टफोन के। कलर बिल्कुल सेम है, और इमेज भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलती है दोनों स्मार्टफोन से। ये देख सकते हैं कोई डिफरेंट आपको दोनों मोबाइल के कैमरा में देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा। दोनों ही मोबाइल बिल्कुल सेम है, लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। अगर
13,000 रुपये में अगर आपको Y20 मिलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। इस रेंज में आपको इससे कहीं बेहतरीन मोबाइल मिल जाते हैं, और इस साढ़े ग्यारह हज़ार रुपये की कीमत में आपको Y20i मिल रहा है। इसमें तो आपको फास्ट चार्जर भी नहीं दिया गया है। बाकी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।